हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं प्याज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से काटा हुआ है, और कुछ हरी मिर्चें भी ली हुई हैं। और इधर मैंने यहाँ पर एक बाउल में बेसन लिया हुआ है, 1.5 कप है, 1.5 कप है। और साथ में मैंने इसमें नमक, मिर्ची, गरम मसाला और कसूरी मेथी डाली हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर इसका एक बैटर रेडी करूँगी। और साथ मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं पहले इसका बैटर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक थिक सा जो है बेसन का बैटर रेडी कर लिया है। अभी मुझे इसमें ये जो है प्याज है, मैं इनको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ में जो ये हरी मिर्ची भी इसमें ऐड करनी है मुझे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, इस तरह से ये हमारा जो है बैटर रेडी हो गया है। और इसमें मैंने प्याज मिक्स कर लिया और हरी मिर्ची, नमक, मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी, हरी मिर्ची सब डाला हुआ है। तो अभी ये हमारा बैटर रेडी है। तो अभी चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पैन में ऑयल गर्म किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, वैसे हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं एक या दो डालकर। तो मैं अभी यहाँ पर जो ये मैंने प्याज है ये इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। मैं जितने हो सकते हैं अभी उतने डाल लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं पकोड़े। अभी मुझे इसको थोड़ा और पकाना है। मुझे यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी इसको, ताकि ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए, इनका कलर अच्छे से आ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। यहाँ पर ये पकोड़े हल्के ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। मैं अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी, ताकि थोड़े और ब्राउन हो जाएं, ताकि क्रिस्पी से हो जाओ, खाने में भी मज़ेदार हो जाए। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है बनाते हुए मुझे। इसको आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहे। अभी मुझे इसको 3 से 4 मिनट और लगेंगे पकाने में। तो हमें इनको थोड़ा सा हल्का ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, और हमें इसको मीडियम फ्लेम। तो ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। हमें ये मीडियम फ्लेम पर ही पकानी है, ताकि ये क्रिस्पी और अच्छे बने। ये बहुत ही सिंपल और आसान है। और साथ में हमें, जैसा कि आजकल मौसम है, रेनी मौसम होता है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, और इजी भी हैं बहुत बनाने। हम बहुत ही झटपट इनको रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना इनको। हम मिनटों में, कुछ ही मिनटों में प्याज के पकोड़े बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी है खाने में, क्रिस्पी है। और आजकल का जैसा मौसम है, रेनी मौसम है, तो हम उसमें आराम से चाय पकौड़ा खाते हैं, तो वो टेस्टी लगते हैं, मज़ा भी आता है खाने में। तो आप देख सकते हो कितना सिंपली, कितना ईजी और कितना क्विक बन जाते हैं ये। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है मुझे। तो आप भी इसको घर पर इजीली बना सकते हो, खा सकते हो और खिला सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कितना टेस्टी है, ये दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, मैंने ये टेस्ट भी किया है। तो आप इसको इजीली बना सकते हो। तो प्लीज़ गाइस, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइस।